हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिटल न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल मूवी के कमाल के अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट है टाइम से रिलेटिव, यानी कि एमसीयू की वो टाइमलाइन जो कि इंसान को कंफ्यूजन कर देती है कि कौन सी टाइमलाइन कैसे कनेक्ट होगी। पर हालांकि एमसीयू की टाइमलाइन काफी क्लियर होती है और सभी जानते हैं कि ये टाइमलाइन स्टार्ट है 2008 से, यानी कि आयरन मैन। अब हाल ही में कैप्टन मार्वल मूवी का जैसी नाम आया तो काफी टाइम से रूमर चल रहा था कि कैप्टन मार्वल की टाइमलाइन क्या होगी, बट अब आज ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है कि कैप्टन मार्वल की जो टाइमलाइन होगी वो होगी 1995 की, यानी कि 1995 से। हालांकि इस मूवी की टाइमलाइन ब्लैक विडो से बात की है। आप सभी को बता दूं कि ब्लैक विडो की जो टाइमलाइन होगी वो होगी 1994 की, यानी कि वो टाइम जहां पर इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या हुई थी। हालांकि ब्लैक विडो की मूवी उसी टॉपिक के ऊपर बन रही है और देन कैप्टन मार्वल की मूवी एक साल बाद। तो हालांकि कैसे दिखाएंगे एमसीयू इस चीज को, और देन इसमें हमें कैप्टन मार्वल 1995 से लेके और 2018 तक और 2019 तक इतने साल कहां गायब रही, ये भी कनेक्शन दिखाना काफी बड़ी बात है। तो ये सब हमें पता चलेगा कैप्टन मार्वल मूवी में। तो देखते हैं कि 1995 से लेकर और 2019 तक कैप्टन मार्वल कहां थी। और हालांकि एवेंजर 4 की टाइमलाइन भी 4 साल की बात की है, अगर आपको पता होगा तो। तो गाइस कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें, और रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पेन मारो, पर और कुछ मत बनाना। बाय बाय, जा रहा हूं।